बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के जिम्मेदार भाजपा जदयू गठजोड़ और राज्य के नकारा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बर्खास्तगी के सवाल पर भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने लॉकडाउन का पालन करते हुए उर्दू मोहल्ले में अपने आवास में ही पोस्टर के साथ प्रतिवाद पर बैठे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, इलाज के अभाव से लोग बेमौत मरते जा रहे हैं और भाजपा जदयू की सरकार चुनाव चुनाव खेलने में लगा है। 6 महीने बीत गए लेकिन सरकार ने जांच, इलाज, रोजी रोजगार किसी मामले में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि खुद गृह विभाग के उप सचिव उमेश रजक की हत्या IGIMS, NMCH, एम्स के बीच दौरा कर दी गई। MLC सुनील कुमार सिंह इस बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के चपेट में आकर जान गंवा दिया, तो सहज ही सोचा जा सकता है कि बीमारी पड़ने पर आम आदमी का क्या हालत होता होगा। हाल ही में आरा में कोरोना जांच की लंबी लाइन में लगे पीरों के वीरेंद्र प्रसाद गिर पड़े और वहीं तड़प कर अपनी जान दे दिया। उन्हें DMCH में जिला परिषद जमाल अतर रूमी की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग किया और इस लापरवाही के लिए जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई की भी मांग किए एवं उनके परिवार के साथ जो डॉक्टर के द्वारा मारपीट की गई उस पर भी कार्रवाई की जाए। श्री अहमद ने मांग किया है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अविलंब बर्खास्त करने की मांग किया है।